बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदो व या कनस्ताइन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुँचेगा मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूँ ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़े होंगे आप ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजारेंगे, और ग़ुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। ग़ुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियाँ ज़मीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज़ नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की ग़ुलामी से हमें आज़ाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आज़ाद किया था अदल और इंसाफ दे के। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक़ की, आपकी आज़ादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूँ जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। पुरमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है, वोट के ज़रिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना। ना तो किसी और कोई कब्ज़ा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाए जो आज कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया।